आयरन से भरपूर काले चने की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दिखने में जितने मजेदार लग रही हैं, खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही लजीज और मजेदार होंगे और सब तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इस प्यारी सी और जबरदस्त सी रेसिपी को जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी चनों की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनने वाली है। अगर आप लोगों के घर में कोई चने पसंद नहीं करता तो आप इस तरह से बनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी और वो आपसे फरमाइश करके बार बार बनवाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होते हैं चने, कि इसको कितनी देर भिगोना है। तो यहाँ पर जो मैंने चने हैं वो 9 घंटे भिगोए हैं और इसे 9 घंटे ही भिगोना है मैक्सिमम। उससे ये नहीं होता कि चने आपके आराम से गल जाते हैं, उससे बल्कि ये होता है कि इसमें जायका और टेस्ट आता है। और रेसिपी को अब आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को ज़रूर पूरी वॉच कीजिएगा। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है 2 टमाटर ले लिए हैं बड़े साइज़ के, 3 यहाँ पे प्याज ली हैं और यहाँ पे 5 दाने जो हैं जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। इसको इसी तरह से हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टमाटर और प्याज जो प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। अब हम इसमें चने डाल देंगे पानी के साथ ही। मैंने इसका जो है अच्छी तरह से धो लिया था चनों को 4 से 5 दफ़ा, और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था। 1/2 चम्मच जो है मैं इसमें नमक डाल दूंगी, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्चें पाउडर, और 1 चम्मच ही इसमें हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर जाएगा, और इसमें अब साबुत गर्म मसाला जाएगा सारा। तो यहाँ पर मैंने 5-6 जो है वो लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, और 2-3 जो है छोटी छोटी दालचीनी डाली है मैंने इसके अंदर, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डाल देंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि हमारे चने जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो अब मैं जो है इसे 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी ताकि चने जो हैं सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल, और इसका जायका जो है मज़ेदार सा बने। तो अब हम सबसे पहले इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच ही मैंने सूखी मेथी ली, और 1/2 चम्मच जो है मैंने गर्म मसाले का पाउडर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी है तो ये पानी के अंदर ही थोड़ा सा पक जाएगा, और हमने पानी खुश्क होने तक इसको तेज़ आग के ऊपर पकाना है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर, और बस अब हमने इसे तेज़ आग पर पका लेना है। उसके बाद हम इसे की अच्छे से भुनाई कर देंगे और फिर शोरबा कर देंगे, जितना आपने करना चाहते हैं। दूसरा, चनों को 1 हफ्ते में 1 बार ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग को भी तेज़ करते हैं, पट्ठों को ताकत देते हैं। तो काले चनों का हर डॉक्टर भी कहते हैं कि या आप इसका सालन बनाएं या ये चाट में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप खाने में इसे 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें हफ्ते में, और जायका इसका बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप इस तरह के तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर सब पसंद करेंगे और फरमाइश करके आपसे दोबारा भी बनवाएंगे। तो रेसिपी को ज़रूर पूरा देखिएगा। तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। आप देखिए मैंने कितना ऑयल डाला है इसमें। खाने का जो 1 चम्मच होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, वो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है, ये अब हम इसमें डाल देंगे, और फिर अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दिखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी उतने ही मज़ेदार और टेस्टी होंगे। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस हमने अब इसकी जल्दी से भुनाई करके इसमें शोरबा कर देंगे। पर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, अब इसमें मैं इसमें पानी डाल दूंगी। जितना हमने शोरबा रखना है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं इसमें पानी, थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, जितना आपका हिसाब है उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि चने जो हैं ठंडे होने के साथ साथ पानी भी थोड़ा सा पी लेते हैं, यानी कि खुश्क हो जाता है इसमें पानी पड़े पड़े। यहाँ पर जो चने हैं बिल्कुल तैयार हैं, शोरबा भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी इस तरह से। मज़ेदार सी हमारी काले चनों की रेसिपी यहाँ पर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।